have done this derivation, that work done A to B on unit charge, this is equal to potential difference VA minus VB. And this is the difference of energy. WAB is what? Difference of energy. Difference of energy when the charge is Q. So for single charge, the difference of energy is UA minus UB upon Q. देखिए इसी का मीनिंग क्या होता है, वर्क डन, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन. सो यू गॉट दिस, ओके. सो दिस इज व्हाट वी गेट, अवर फर्स्ट इक्वेशन. सो नाउ दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट वी वांट टू लर्न नाउ इज व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट, और दूसरे टर्म्स में बात करते हैं, कैन वी कैलकुलेट दिस पोटेंशियल टर्म्स इफ वी नो द सोर्स चार्ज विच इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर ये एक सोर्स चार्ज है Q, और ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस R A है, इस पॉइंट का नाम ए है. मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल वी ए है, और एक दूसरा पॉइंट है उसका डिस्टेंस आर बी है. आर बी, ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके. यहां पर पोटेंशियल वी बी है, तो कोई भी चार्ज वी ए से वी बी जाएगा तो कितना काम करेगा, ए यूनिट चार्ज वी ए माइनस वी बी. वी ए माइनस वी बी इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ वी ए एंड वी बी. अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज में जो क्वांटिटी है वो कौन सी है. वी क्यू, क्यू इज ए नोन क्वांटिटी टू अस. R is a known quantity to us. हम Q और R को जानते हैं, तो VA minus VB की calculation कैसे कर सकते हैं? How do we do it? Okay, so this is what we are going to do right now. That is calculating or deriving potential difference between two points. In इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा. सो दिस इज ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. अब हमें डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. और सॉरी, इसमें मुझे एक करेक्शन करना है, लगाना भूल गया था, प्लीज पुट इट हियर माइनस, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग इट ए टू बी वी हैव टू पुट इट माइनस. अदरवाइज डेफिनेशन वाइज इट इज वर्क डन फ्रॉम बी, ए को ए टू बी लिखेंगे, वी पुट माइनस हियर, ओके. नाउ डेफिनेशन, द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है. अगेन, work done from B to A on unit charge is known as potential difference. हमें क्या calculate करना है, work done, और work done के लिए हमको क्या चाहिए, work done के लिए हमको चाहिए force multiplied displacement. Now force at this location is different because electric field is different, force here is different, force here is different. So how can we calculate work done? We know a formula for variable force, and that formula for work done integral F this. This is the formula for work done. Right. We will apply this. We take any one point here, any one point which is at an arbitrary distance, say X.
दिस इज आर ए, लेट अस से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज एक्स, और बिकॉज वी आर यूजिंग आर फॉर द डिस्टेंस वी विल पुट इट आर ऑल्सो. इट इज ए जनरल वैल्यू ऑफ आर, को कंफ्यूजन करेगा, सो एक्स इज बेटर. ओके, लेट्स पुट इट एक्स. इस एक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 q अपॉन x स्क्वेयर. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू दिस. देन हाउ मच इज द फोर्स ऑन चार्ज q? एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रखा ना, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा. फिर से, अगर चार्ज नहीं रखा तो क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. चार्ज रखा तो फोर्स लगेगा. अब अगर हमने यहां पे चार्ज रखा तो फोर्स कितना लगा? फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर. ओके, यहां से इस चार्ज को हमने ऐसे पुश किया फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट द फोर्स मे नॉट चेंज ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट. हम ये मान लेते हैं कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया बहुत छोटा डी एक्स, वो उतना छोटा है कि फोर्स चेंज नहीं होगा. अगर फोर्स उतने डी एक्स में चेंज नहीं होता, देन वी हैव ए परमिशन टू अप्लाई द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन. तो उस थोड़े से डिस्टेंस के लिए, फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन, ए वेरी स्मॉल वर्क इज, एंड हाउ मच दैट वर्क डन? f इंटू dx. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? This is the value of F force. So 1/4πε0 QQ on X square. This is F multiplied by EX multiplied by cos theta. Cos theta, what is theta? Theta is the angle between force and the displacement here. Force is in this direction and the displacement is in this direction. The angle between them is 180 degree, and we write here cos 180. And what is value of cos 180? That is minus 1. So that minus will appear here. That's all. That is the dW. Now, we want to calculate total work done from this point to this point, because that is our definition. Therefore, work done from B to A is equal to integration of this work done. This is 1/4πε0 QQ upon X square into DX, or sine kya hai? Minus. Put it minus here. Minus. Okay. ये जो इंटीग्रेशन है, ये हमने कौन से वेरिएबल को लेके किया? एक्स वेरिएबल को लेके किया. नाउ दिस एक्स वेरिएबल, जिसमें डीएक्स डीएक्स डीएक्स, ये छोटे छोटे डीएक्स हैं, दिस डीएक्स दिस डीएक्स दिस डीएक्स, कहां से कहां तक हमें कैलकुलेशन करनी है? वी हैव टू डू द कैलकुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम आर बी अप टू आर ए. आर बी से लेके आर ए डिस्टेंस तक कैलकुलेशन करनी है. सो वी पुट द वैल्यूज हियर, आर बी आर ए.
ये किसकी वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू आर बी, x इज इक्वल टू आर ए. नाउ वी डू दिस कैलकुलेशन एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू. ऑल दीज आर नॉट चेंजिंग सो दे कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन इज डन फॉर x स्क्वेयर dx, वेयर द x विल चेंज फ्रॉम आर बी टू आर ए. ओके, नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू क्यू x स्क्वेयर इंटीग्रेशन. ओके सॉरी, दिस इज x टू द पावर माइनस 2, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस 2. सो दिस इज माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1 टू बी डिवाइडेड बाय सेम माइनस 1. इंटीग्रेशन डन. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x, आर बी एंड आर ए, दीज आर द लिमिट्स ऑफ x. ओके, सो दिस इज इक्वल टू अगेन क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू q into q. x to the, this was minus, minus. We write it this way. This minus 1, this will come out and make this minus as plus. Okay. Now, x to the power minus 1 is 1 upon x. First we place a. So this is 1 upon r a minus second value 1 upon r b. So this is our work done when the charge is carried from b to a. This is the work done. Now work done when the charge is carried from b to a, ye kiske barabar hota hai? Answer hai, this is equal to, this is work done from B to A is equal to VA minus VB. ये minus लिखा है, अगर इसको plus करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, work done from B to A upon Q. Work done B to A, और ये जो small q है इसको हम इधर नीचे लेके आते हैं. अगर इसको यहां denominator में ले आएंगे तो यहां क्या बचेगा, only q. Okay, so what is the notation we got? So we got a notation, I will write that here, WBA work B to A divided by small q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q 1 upon RA minus 1 upon RB. This is what we got finally. And what is this? WBA upon Q. This WBA upon Q is potential difference between A to B, VA minus VB. So write it. This is VA minus VB. Now, or ye hamara aa gaya. VA minus VB is equal to this. Just have a look on this. Potential difference between A to B. This is distance of A, this is distance of point B. And this is the charge placed. Yahan par charge kya hai? Ye distance kitna hai? और ये डिस्टेंस कितना है,
आर वी इसका नाम. सो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी. हमारे पास दिस इंफॉर्मेशन वी हैव, दिस इंफॉर्मेशन वी हैव, दिस इंफॉर्मेशन वी हैव. अगर ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ सोर्स चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डिस्टेंस. सोर्स चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स. और ये फॉर्मूला किसका है? आंसर है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है. पोटेंशियल डिफरेंस. सो प्लीज रिमेंबर नाउ, पोटेंशियल डिफरेंस के अभी तक हम चार एक्सप्रेशन समझ चुके. वन एक्सप्रेशन बाय डेफिनेशन वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोजिशंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये किसके बराबर होती है? वर्क डन इफ ए यूनिट चार्ज इज कैरिड फ्रॉम बी टू ए. और ये किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी. सो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज, जो कि हम लिख चुके हैं, फाइनल एनर्जी, एनर्जी एट ए माइनस एनर्जी एट बी फॉर यूनिट चार्ज. सो नाउ यू हैव दिस रिलेशंस, प्लीज रिमेंबर दिस. ये चारों याद रखिए. इक्वेशन विच एक्सप्लेन्स एनी वन कन्वर्शन टू एनी अदर कन्वर्शन. दिस टू, ये किसका रिलेशन है? वर्क डन चार्ज एंड द डिस्टेंसेस. अगेन, ये किसका रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंसेस. ये और ये का रिलेशन है एट पॉइंट ए पॉइंट बी इज गिवन बाय दिस. सो फ्रॉम एनी वन थिंग, एनर्जी टू वर्क, एनर्जी टू चार्ज, एनर्जी टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू चार्ज, पोटेंशियल टू वर्क, यू कैन गेट एनी फॉर्मूला आउट ऑफ इट. सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज, इफ दिस इज पोटेंशियल, डू वी हैव एनी टर्म एज पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट? अगर हम ये पूछना चाहे कि ए का पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए, तो क्या फिजिक्स में ऐसी टर्म होती है? आंसर इज नो एंड यस. कैसे नो एंड यस? जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि मेरे हाथ, ये मेरा हाथ कितनी हाइट पर है, यू विल से कि सब ये तो 5 feet हाइट पर है. ठीक है, पर आपने ये नहीं देखा ये कितनी हाइट पर है, 1 feet, एंड यू आर टेलिंग 5 feet. वाई? क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं डिफरेंस ऑफ द टू पोजिशन, पोजिशन ऑफ माई हैंड एंड पोजिशन ऑफ द ग्राउंड. मैं क्या पूछ रहा हूं? द डिफरेंस ऑफ दीज टू पोजिशंस. तो बेसिक क्वांटिटी जो हमको समझनी है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो इसकी पोजीशन कहां है? 1 foot पर है या 5 feet पर है? देन यू विल आस्क, यस, द पोजीशन ऑफ समथिंग डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन, डिपेंड्स अपॉन द रेफरल पॉइंट. इसी तरह से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा डिपेंड करता है कि हम उसका डिफरेंस कहां से निकाल रहे हैं. जैसे यहां से यहां तक जाइए, एक यूनिट चार्ज पे 100 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना जाएगा? 100 यूनिट, एंड व्हाट इज द यूनिट? वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 100 वोल्ट. ठीक है, अब हमने ये कहा यस. वी से दैट हम यहां से चल के आते, यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक चल के आते हैं और हमको वर्क करना पड़ा 150 जूल. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू सी?
आंसर 150 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल 100 है या 150, तो आंसर है विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज 100, विद रिस्पेक्ट टू सी इट इज 150। पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए का पोटेंशियल है कितना फिर, क्या ऐसी कोई क्वांटिटी होती है? आंसर है यस, होती है। तो एक तो आप ये समझ गए कि पोटेंशियल नाम से क्वांटिटी को हम ना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज द रियल क्वांटिटी। फिर हम उसको पोटेंशियल क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं, एक ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो। कहां पर होगा ये? तो आंसर है कि यहां से चलते जाइए एंड यू गो अप टू इंफिनिटी। व्हेन यू गो अप टू इंफिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। वहां पर अगर आप मूव करते हैं उस पर कितना फोर्स लगा हुआ है? जीरो। तो उस पर वर्क भी कितना करना पड़ेगा? जीरो। अगर आपको उसमें जीरो वर्क करना पड़ा तो वहां पर पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। तो उस लोकेशन पर हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है। सो देयर आर सर्टेन लोकेशंस वेयर वी से पोटेंशियल इज जीरो एंड दिस इज वन ऑफ दैट लोकेशन। व्हाट पुट इनफिनिट डिस्टेंस। सो एनी लोकेशन एट इनफिनिट डिस्टेंस देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज टू बी जीरो, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल इज ऑल्सो टेकन एज जीरो। अब वहां पर हमने एक चार्ज को रखा इंफिनिटी, एक पार्टिकल लिया, उस पर क्यू चार्ज है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। वहां छोड़ दो, वहीं खड़ा रहेगा। उस पर अभी तक उसके पास कोई एनर्जी है? नहीं। तो वो कहां पर है? दैट पोटेंशियल इज जीरो। नाउ वी स्टार्ट मूविंग इट। जैसे ही हम इसकी तरफ मूव करते हैं the distance goes on decreasing and electric field is created. अब हम आगे जाते हैं, electric field मिलते जाता है, force लगते जाता है and we are doing the displacement, we start working on it. ये हम work करते 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 यहां तक आ गए और यहां पर आके हमने जो work किया उसको calculate कर लिया। Suppose that work is वर्क डन अप टू ए, तो टोटल वर्क हो गया वर्क डन अप टू ए फ्रॉम इंफिनिटी। वर्क डन कहां से स्टार्ट किया था हमने? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी एंड वी हैव कम अप टू ए। दिस इज नोटेशन फॉर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी अप टू ए। ओके, ये वर्क डन है। अब कितने चार्ज पे किया? क्यू पे। तो यूनिट चार्ज पे हमने कितना काम किया? इतना वर्क किया। अब वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ लोकेशन एंड पोटेंशियल ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द वर्क, पोटेंशियल ऑफ द फाइनल लोकेशन माइनस पोटेंशियल ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द वर्क इंफिनिटी। ये तो ये नोटेशन किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस, यस। पर वी कहां पर है? इंफिनिटी में। अब यहां पर हमारे पास एक एडवांटेज है कि वी इंफिनिटी की वैल्यू हम जानते हैं। वी इंफिनिटी की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की, दैट हैज टू बी जीरो। इफ दिस इज जीरो देन वी गेट ए नोटेशन। जीरो को एलिमिनेट कर दिया। नाउ दिस, अब इसको, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बना है इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वर्क डन फॉर ए यूनिट चार्ज व्हेन इट इज कैरीड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। मार्क इट, पोटेंशियल ऑफ ए। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने यूज नहीं किया, हम यूज कर सकते। व्हाट वी कैन से, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। पर
इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है उसका हम एडवांटेज लेते हैं और हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, उसी को हम पोटेंशियल कहेंगे। जैसे हम जब आपसे पूछेंगे एक आदमी की हाइट कितनी है, यू से 4 फीट, दूसरे आदमी की हाइट कितनी है, 6 फीट, तो मैं आपसे हमेशा ये लैंग्वेज नहीं बोलता हूं कि कौन से दो पॉइंट के बीच 4 फीट है, कौन से दो के बीच 6 फीट है, बिकॉज वी ऑल नो दैट जीरो हाइट इज ग्राउंड लेवल, जीरो हाइट इज ग्राउंड लेवल। सो व्हाट यू आर टेलिंग मी 4 फीट, देर इज अ डिफरेंस फ्रॉम हिज हेड टू ग्राउंड, सो बेसिकली इट इज डिफरेंस ऑफ द पोजिशन। पर हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइट ऑफ दैट पर्सन इज 4 फीट, वी डोंट से डिफरेंस। इसी तरह से ये जो चीज है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन इंफिनिटी एंड पॉइंट ए, पर हम यूज क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए। सो व्हेन वी से पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इट इज अंडरस्टूड इट इज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर बॉडी विच हैज गॉट जीरो पोटेंशियल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट बेसिकली अब हम समझ रहे हैं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पर हम उसको कन्वीनियंट के लिए करते हैं। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नो what is the height difference between these two hands, height difference, to humne ek common level liya ground level, wahan se iski height hai 5 feet aur iski height hai 4 feet, what is the potential, what is the height difference, 5 minus 4 1, fir se is point ka potential with respect to ground 5 volt hai, is point ka difference with respect to ground 4 वोल्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, 5 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0, तो 0 0 अननेसेसरी लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरी वोल्टेज इज हैविंग इन इट माइनस 0, वोल्टेज पर काम करते हैं, दिस हैज गॉट पोटेंशियल 5 दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस हैज गॉट 4 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस V, सो दिस। अब ये जो पोटेंशियल है ये आर्गुमेंट समझने के बाद कैन वी डिफाइन इट इन द वर्ड्स, यस वी विल राइट, सो इट विल बी इन दिस वे, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेस्ड ऑन दिस कैन वी डू द कैलकुलेशन, कैन वी फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, द आंसर इज येस, बेस्ड ऑन दिस वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एंड दैट फॉर्मूला, वी एट इंफिनिटी इज जीरो, वी गेट द फॉर्मूला हियर इटसेल्फ, ओके वी गेट द फॉर्मूला हियर इटसेल्फ। नाउ there are two methods to get the formula, one method is to use this older formula and the other method is to do the calculations once again, so let's try this first, here RB, from RA to RB, is B ko is definition mein fit karne ke liye hum kahan maan lete hain, infinity pe, अगर हम इसको इंफिनिटी पर मान लेंगे तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बी इज इंफिनिटी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, आंसर है दिस इज
क्यू अपॉन 4 पाई, और यहां से लिखते हैं वी ए माइनस वी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R A माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, V एट इंफिनिटी इज 0, तो यहां क्या बचा, वी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू, एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R A माइनस माइनस एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, सो दैट इज 0। हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को अब हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी राइट इट हियर। ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस आर ए, सो आई विल राइट इट पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। सो पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। So this is formula for potential of a point which is at a distance r. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. ये सबसे versatile, सबसे ज्यादा useful formula है. After understanding all the things that basically potential of a point is potential difference between that point and a location infinity, a location earth, wherever the potential is zero. Then we have this formula, potential at r is equal to this. Please remember this. Now, this is a formula where we have used this calculation. Now, suppose we start, it is given to us that there is a particle having charge q, and find out expression for potential at distance r. Then we have to calculate, we have to derive. And what will be our starting point? Our starting point will be this. First, what is meant by potential of a point? Then we have to do the derivation according to this. And that now we will see here. So now we are going to a very famous deriving expression for potential at a point due to a charge. Okay, what is the situation given to us? This is a particle which has got charge q, and this is a point p which is at certain distance. Let us say this distance is r, and we are supposed to find out potential at the point p. Potential at point p, this we are supposed to find out. Now we extend this line up to infinity and put a charge here and start writing. We place a charge at infinity, the electric field there is zero, potential is also zero. This is brought towards q, okay, and the work done from infinity to point p is equal to potential of point P according to definition. Okay, we must write definition also. So here first we will write definition. What is that?
ओके, वी हैव रिटन डेफिनेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी. ओके, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो. Now, electric field at this point, which is at distance x, is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square. Dekhiye, line of derivation is same what we had done for two points. Similar, okay? For a small displacement dx, work done dw is equal to force multiplied by displacement multiplied by cos. And here it is cos 180. Okay. Cos 180 is equal to, that will bring a minus sign there. So in the next step, we can write it here. This will be dw is equal to minus. Okay, this is done. Now, for total work done, infinity to P, work done infinity to P is equal to integration of minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square into dx. This is again equal to ye sab constant bahar, to minus 1 upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन का होगा x टू द पावर माइनस टू डी एक्स, और ये x, x वेरिएबल हमको कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, डी एक्स को हम कहां से कहां शुरू कर रहे हैं, कहां एंड, कहां से इंफिनिटी से और कहां तक जाएगा p तक. सो x की वैल्यू इंफिनिटी से p तक पूरी कैलकुलेशन हमको करनी है. सो दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी. पी का डिस्टेंस कितना है, आर. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम डिस्टेंस इंफिनिटी एंड कैलकुलेट अप टू डिस्टेंस आर. दिस एक्स इंफिनिटी से स्टार्ट और एक्स इज इक्वल टू आर पे क्लोज कैलकुलेशन. ओके, सो वर्क डन, work done from infinity to P is equal to there minus 1 upon 4 pi epsilon naught, and integration of x to the power minus 2 is
x टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इंफिनिटी टू r. दिस माइनस विल कम आउट, कैंसल इट आउट एंड दिस इज इक्वल टू वेयर इज q? ओके, q इज हियर. एंड वॉज देयर अनदर q? Work done is force. This is electric field. How much will be the force? We can write force somewhere here. Force. इसके बाद ये step लीजिए. This is electric field. Then what will be the force? The same thing, 1 upon electric field multiplied by the charge which is being carried plus q, e into q. So this is the force, this is force, this is displacement. Okay, so this q and q will be carried throughout, right? Now माइनस वन माइनस प्लस हो गया, क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स टू द पावर माइनस वन दैट इज वन अपॉन एक्स आर इंफिनिटी. सो दिस इज क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एंड दिस इज वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी. 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0. तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r, r मल्टीप्लाइड बाय q. दिस इज व्हाट वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p ऑन हाउ मच चार्ज? ऑन द चार्ज q वर्क डन. सो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज. हम इधर ले आए तो इसके नीचे आ गया और ये चीज अब क्या बन गई? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज. तो वो क्यू इधर आ गया, ऐसा सोच सकते हैं, या दोनों तरफ स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दीजिए तब भी यही आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर की पावर वन. दिस बट वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी on unit charge. Amount of work done on unit charge infinity to p. तो ये क्या चीज है? Potential. यही हमने पहले definition में declare कर दिया था, इसलिए ये हमको क्या मिल गया? Potential at distance. So फिर से potential at distance r is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. व्हाट इज क्यू? सोर्स चार्ज. तो प्लीज याद रखिए, पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर इज दिस एंड दिस इज हाउ वी डू द डेरिवेशन. ओके, सो दिस इज डेरिवेशन फॉर ए सिंगल पॉइंट पोटेंशियल. इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, when we place a charge at certain location in electric field, we can derive two quantities. Number one, how much force it has, that is equal to q multiplied by e. Dusri quantity, how much energy it has. Kaise nikalenge? Potential ki definition kya hoti hai? The work done on a charge when it is brought to that place, unit charge. वो पोटेंशियल कितना होता है? E. अगर हम यूनिट चार्ज की जगह क्यू चार्ज लाएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी.
and that work done is converted into its energy. So that QV is the energy, but this we will do in the next class, in the next lecture.